अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट के साथ और बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है रेसिपी। आप इसको झटपट से बना सकते हैं। रेसिपी को आपने एंड तक वॉच करना है, कोई भी स्टेप को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि हमारी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनने वाली है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिससे मेरा आने वाली हर लेटेस्ट अपलोड का अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमने ले लेनी मैक्रोनी आधी प्याली। मैंने पानी को पहले से बॉयल करने के लिए रख दिया था ताकि पानी अच्छी तरह से बॉयल हो जाए। और इसमें हमने शामिल कर देना नमक, और थोड़ा सा हम इसमें शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल, और अच्छी तरह से इसको कर लेंगे मिक्स। मिक्स में अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया। अब हमने इसके अंदर मैक्रोनी डाल दिया, और मैक्रोनी को हमने अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है जब तक कि ये अच्छी तरह से कुक नहीं हो जाती। जब तक मैक्रोनी बॉयल हो रही है, तो मैंने साथ ही साथ यहाँ पर ले लिए आलू, और आलू को भी मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया यहाँ पर। आलू और मैक्रोनी दोनों बॉयल हो रही हैं, तो जब तक के मैंने ले लिए यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स, जिनको हमने जल्दी से कट कर लेना है ताकि हमारा टाइम जो है वो जल्दी से बच जाए। तो यहाँ पर हम जल्दी जल्दी से तमाम वेजिटेबल्स को कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया यहाँ पर खीरा। खीरे के हमने दोनों साइड्स को इस तरह से कट कर देना है, और इसको हम सेंटर में से इस तरह से कट करेंगे, फिर हमने साइड में से इसको इस तरह से कट कर लेना है। इस वाले पार्ट को हमने बिल्कुल भी अपनी रेसिपी के अंदर नहीं डालना है, इसको हम रिमूव कर देंगे, और जो साइड वाला जो हिस्सा होगा उसको हम डाल देंगे। तो अब हमने इस तरह से कट करने के बाद उसको अगेन सेंटर में से कट करना है। अब हम इसको छोटे छोटे से क्यूब्स के अंदर कट कर देंगे। तो खीरे तो मैंने इधर कट कर लिया, और इसको हमने रख देंगे साइड पर। अब ले लेंगे हम शिमला मिर्च, और हमने इसको भी इसी तरह से कट कर लेना है। साइड पे से हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे, और इसका जो वाइट पार्ट होगा उसको हम अच्छी तरह से रिमूव कर देंगे। इसको भी हमने छोटे छोटे से क्यूब्स के अंदर कट कर देना है। अगर आप चाह रहे हैं तो इसको आप थोड़ी सी लंबाई में कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको क्यूब्स के अंदर कट कर लिया था। इस तरह से हम इसको कट कर देंगे, और इसका वाइट पार्ट जो है हम इसको बिल्कुल रिमूव कर देंगे अच्छी तरह से। सेंटर में से आप इसके 2 से 3 पीस कर लें, और फिर आप इसको छोटे छोटे से क्यूब्स के अंदर कट कर लें। तो तकरीबन मैंने तमाम शिमला मिर्च को कट कर लिया है, इसको भी हम निकाल के साइड पर कर देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया लेमन, और इस रेसिपी में मैंने 2 लेमन का इस्तेमाल किया है। आप अगर ज़्यादा डालना चाह रहे हैं तो आप ज़्यादा डाल लें, अगर आपको कम करना है तो आप कम कर लें, अपने टेस्ट के हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। मैंने इसके अंदर 2 डाल दिए थे। और यहाँ पर मैंने ले लिया कुछ गाजर, और इसमें हम थोड़ा सा कर देंगे मैजिक, और यहाँ पर हो गए हमारे गाजर कट। अगर ऐसे मैजिक होने लग जाए तो कुकिंग करना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। लेकिन अब आ जाते हैं हम हकीकत पे, और गाजर को हम अच्छी तरह से कट कर लेंगे। गाजर के बाद बारी आ जाती है यहाँ पर गोभी की। तो मैंने गोभी के इस तरह से पत्ते जो है निकाल लिए थे, और निकालने के बाद मैंने इसको कट कर लिया था। तो ऐसे कट करने से थोड़ी आसानी हो जाती है, अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट कट कर लें, लेकिन मैंने इसके पत्ते निकाल लिए थे, उसके बाद मैंने इसको कट कर लिया। साथ ही हम धनिया भी चॉप कर लेंगे, और इसके बाद मैंने जो बॉयल किए हुए पोटैटोज थे उसको भी हमने छोटा छोटा सा क्यूब्स के अंदर कट कर लेना है। तो अब बारी आ जाती है इसकी ड्रेसिंग की, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है और बहुत ही ज़्यादा क्रीमी होती है। तो इसके लिए आप सबसे पहले ले लें 3 से 4 टेबल स्पून जितनी क्रीम, फ्रेश क्रीम डालेंगे इसके अंदर। बहुत ही मज़े की ड्रेसिंग बनती है इसकी, आपने इस रेसिपी को लास्ट में ट्राई करना है। और साथ ही मैंने यहाँ पर ले लिया मेयोनीज, ये भी सेम क्वान्टिटी में जाएगा 3 से 4 टेबल स्पून बराबर। और साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे दही, ये भी तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून है। तीनों इंग्रेडिएंट जो है बिल्कुल सेम क्वांटिटी में डाले हैं मैंने, बिल्कुल कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा नहीं करेंगे, बिल्कुल सेम क्वांटिटी में सारी चीज़ें डाल देंगे। अब यहाँ पे मैंने ले लिया 1 टीस्पून जितना ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून जितना डाल देंगे हम चीनी, शुगर और हसब ज़ायका नमक डालेंगे इसके अंदर, और 2 लेमन को इसके अंदर स्क्वीज कर देंगे। तमाम इंग्रेडिएंट डालने के बाद इसको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। मिक्स मिक्स अभी भी इस रेसिपी में एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है बाकी है, लेकिन उससे पहले हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब बारी आ जाती है यहाँ पर मैंने ले लिया एक बॉयल किया हुआ एग, और इसमें हम शामिल कर देंगे अंडे की जर्दी को, एग योक को जो कि हमने बॉयल की हुई है, और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इस तरह से।
बिल्कुल, हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। अगर आपको कुछ चीज़ जो है ऊपर नीचे लगे, जैसे नमक या चीनी या फिर लेमन जूस, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारी ड्रेसिंग जो है वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे बॉयल किया हुआ चिकन, तकरीबन आधी प्याली। आप जस्ट चिकन को बॉयल कर लें नमक डाल के, उसके बाद आप चिकन का रेशा कर लें और इसके अंदर शामिल कर दें। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे अंडे की सफ़ेदी, इसको भी मैंने छोटे छोटे क्यूब्स के अंदर कट कर दिया था। साथ ही हम थोड़े से इसमें डाल देंगे कॉर्न, बॉईल किए हुए उबले हुए आलू डाल देंगे। साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे बॉईल की हुई मैक्रोनी और आज थे हमारी वेजिटेबल्स जिसको हमने कट करके रख दिया था, जिसमें शामिल है गोभी, गाजर, शिमला मिर्च और खीरा। अगर आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ और भी वेजिटेबल्स इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप उसको थोड़ा सा ज़्यादा कर दें और जो आपको नहीं पसंद आप उसको स्किप कर दें। और यहाँ पे हम इसको तमाम चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह से इसको कर लेंगे मिक्स और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है हमारी रेसिपी। अच्छी तरह से हम इसको कर लेंगे मिक्स और यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा मज़े की लग रही है। लेकिन अभी हमने इसको सर्व करना है, तो यहाँ पर मैंने एक ले लिया प्लेट और इसमें हम निकाल लेंगे सलाद पत्ते, कुछ इस तरह से मैंने रख दिए इसको। अब हम इसमें हमारे तैयार किया हुआ जो है सलाद, इसको हमने अच्छी तरह से सेंटर में रख देना है। अगर आप चाहें तो आप इसको दूसरी तरीके से भी सर्व कर सकते हैं, मैंने थोड़ा तरह से कर लिया। ऊपर से हम इसमें शामिल कर देंगे हरा धनिया और यहाँ पे हमारा सलाद जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार तैयार हो चुका है। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है, लाजमी ट्राई करना है। और ये हमारा सलाद जो है तैयार हो चुका है, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। जल्दी से कमेंट में बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।